मेरा नाम उसामा हफीज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज है। तो आज जो है हम बात करेंगे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के जो का जो बिजनेस है, किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस ऑन अमेजोन लाइक ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर जो है आप अमेजोन पीएल की तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन आप जो है कुछ ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी बताएं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हमारा ये कोर्स जो है 10 से 15 दिन में एंड हो जाए, ठीक है। और मैं सारा कुछ इसमें क्लियर करवाऊंगा आपको कि किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, सोर्सिंग कैसे की जाती है, कहाँ से की जाती है, ठीक है। लेकिन आज जो है मैं आपको बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें जो है वो कौन सी होती हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, किस तरह से की जाती है। इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। शॉपिफाई एक वेबसाइट है जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग करते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि असल जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसके लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ की जाती है, तो वो शॉपिफाई है। अमेजोन के ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हैं, इंडिया वाले भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यूएसए मार्केट में करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग होता क्या है कि आपने जो है यानी कि एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने लिस्ट क्रिएट कर दी अपने अकाउंट के ऊपर, अमेजोन सेलर अकाउंट होता है आपके पास, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको देखते हुए आपने हंट किया, ठीक है। लिस्ट को देखते हुए अपनी जो रैंकिंग है कि उसमें कितना आपको प्रॉफिट होगा, सारा कुछ आपने ए टू जी कैलकुलेशन करके अमेजोन के ऊपर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद आप एक या दो पीसेस उसके स्टॉक में रखते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग स्टॉक में रखते हैं, कुछ लोग स्टॉक में नहीं भी रखते, ठीक है। कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हैं, कुछ लोग जो है ऑलरेडी 10 to 15 जो आइटम है हर एक लिस्ट के स्टॉक में रखते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैं जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूं उनके पास स्टॉक कम ही अवेलेबल होता है। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया आपकी लिस्ट के ऊपर, ठीक है। आपने उससे पेमेंट ली, पेमेंट लेके आपने सप्लायर को दे दी, सप्लायर उसको पहुंचा देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने मेरा एक दोस्त है फवाद, जो किसी मीटिंग में है, फवाद ने जो है मुझे ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट ने मुझे अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। तो मैं उससे पेमेंट पकड़ूंगा, जो मेरा प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे वेजिटेबल चॉपर ले लो आप, उसने मुझे वेजिटेबल चॉपर का जो है ऑर्डर प्लेस किया, तो मैंने जो है उसकी ट्रैकिंग आईडी जो है जो ऑर्डर आईडी है सॉरी, वो मैंने उसको सेव कर लिया और मैंने जो है उसका एड्रेस वो फवाद को भेज दिया, अपने सप्लायर को। मैंने उसे कहा कि आप जो है ये वाला प्रोडक्ट ये आगे शिप कर दो, ठीक है। उसमें से जो 3-4% जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो मुझे मिल जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो 10 to 15 days में उसको पहुंच जाएगा। ये कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग मतलब कि एक सेलर से आपने लिया और आगे उसको भिजवा दिया, ठीक है। अच्छा, ये लोग जो एनोटेशन कर रहे हैं मैं इनको रिमूव कर दूंगा। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये जो है एनोटेशन ये रिमूव करने दो आप। तो आप यहाँ पे पढ़ लो, बिफोर डिस्कसिंग अमेजोन ड्रॉप शिपिंग लेटेस्ट क्विक्स जो है वो ड्रॉप शिपिंग वर्क्स इन जनरल। ड्रॉप शिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री और शिपिंग द गुड्स, ठीक है। आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की होती है, ठीक है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की आपको कोई टेंशन नहीं होती, सारा कुछ सप्लायर करता है, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो भी, ठीक है। यू जॉब एज अ ड्रॉप शिपर इज टू मेंटेन एन ऑनलाइन स्टोर वेयर यू हैंडल एवरीथिंग कस्टमर रिलेटेड। कस्टमर से रिलेटेड आपके पास जितने भी केसेस होते हैं सारे आपने खुद देखने होते हैं, लेकिन जो इन्वेंट्री होती है वो पहुंचाना सप्लायर का काम होता है, ठीक है। अच्छा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली जो है इसकी एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखें, ये कस्टमर है, उसने ऑर्डर प्लेस किया है मेरे स्टोर के ऊपर, ठीक है। मेरे स्टोर पे ऑर्डर आया, मैं देखूंगा कि वो प्रोडक्ट अगर मेरे पास स्टॉक में पड़ी है तो मैं उसको पिक पैक और शिप कर दूंगा, कोई कॉरियर हायर किया होगा मैंने, ठीक है। काफी सारे लोग FBM करते हैं, मिसाल के तौर पे दुबई मार्केट में मैंने बहुत ज्यादा ड्रॉप शिपिंग की है, तो वहाँ पे जो है अरबी लोग जो है वो अपने घर पे बैठ के ड्रॉप शिपिंग करते हैं। काफी सारे लिस्टों के साथ उन्होंने मीट टू किया होता है, उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, वो उठाते हैं, कॉरियर को देते हैं, कॉरियर आगे शिप कर देता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो सप्लायर है वो आपका कोई होलसेलर हो सकता है, कोई रिटेलर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, व्हाट इज अमेज़न। अमेज़न इज वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट इन द वर्ल्ड। इट ग्रू इन द पॉपुलैरिटी बिकॉज इट अलाउज द रिटेलर। यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है। जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत यानी कि फायदेमंद होगा,
ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। स्लाइड्स जो है मैं बहुत कम ही पढ़ाता हूँ, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क को जो है मानता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली भी समझ आए। आपको कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में सारा क्लियर हो जाए, लेकिन आपको ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को समझना पड़ेगा, उसके लिए मैंने ये बेसिक्स बनाई है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं वो भी अमेजोन के ऊपर जो है सेल कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। अब काफी सारे जो है अलीबाबा के सप्लायर्स भी अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अलीबाबा के, अली एक्सप्रेस के, ठीक है, और 1688 के बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं। मिसाल के तौर पे अब आप दुबई में जाओ तो अजमान मार्केट में आपको काफी सारे चाइनीज सेलर मिलते हैं, आप उनसे पूछो, वो भी अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने भी पैसे कमाए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्हाट इज अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, हाउ एग्जैक्टली डू यू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन, यू कैन ड्रॉप शिप ऑन अमेजोन थ्रू देयर फुलफिल्ड बाई अमेजोन प्रोग्राम। आप FBA के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास इसमें मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि मार्जिन का क्या मतलब है, प्रोडक्ट आपका हाई प्राइस वाला होना चाहिए जिसमें आपको हाई प्रॉफिट हो, मतलब कि 20 to 25% आपको प्रॉफिट होता तब आप FBA करते हो। ठीक है, मेरे क्लाइंट है, उसका स्टोर है, ठीक है, वो FBM भी कर रहा है, लेकिन उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो FBA में भी हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ऐड की है ताकि आपको समझ आए कि काफी सारे लोग कहते हैं FBM ही होता है, नहीं, FBA भी होता है, लेकिन FBA में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, FBM में ज्यादा होता है। ठीक है, जब आपके पास बाय बॉक्स होता है, इन दिस प्रोग्राम यू शिप योर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन वेयर दे कैरी द इन्वेंट्री एंड शिप डायरेक्टली टू कस्टमर्स, मतलब कि FBA, आप अपना जो प्रोडक्ट है, मतलब कि आपके पास जगह नहीं है प्रोडक्ट रखने की, 500-600 पीसीज हैं, 2 to 3 kg वेट है उनका एक पीस का, तो आप क्या करते हो, अपने पास नहीं रखते, आप वेयर हाउस में भिजवा देते हो। अगर हो $400-500 का प्रोडक्ट तो आप FBA करते हो। ठीक है, मैंने ड्रॉप शिपिंग की है हैवी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, तो मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ कि आप FBA कब करते हो, अगर क्लाइंट आपसे पूछे तो आपने उसे कहना कि वो प्रोडक्ट जिसको अपने वेयर हाउस में रखने की जगह नहीं है, 2 to 3, 4, 5 kg जिसका वेट हो, उससे हम FBA करते हैं। ठीक है, उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे ओवन का जो है होता है एक, जैसे कि बर्तन रखने वाला स्टैंड हो गया, ओवन स्टैंड हो गया, ठीक है, या तो कोई इस तरह के रेफ्रिजरेटर का हो जो है, इस तरह की जो चीजें हैं बड़ी बड़ी, ये आप जो है अमेजोन वेयर हाउस में रखवाते हो। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है आपको ज्यादा प्रॉफिट अगर चाहिए तो आप अपने वेयर हाउस में रखवाते हो। ठीक है, तो वहां से आप शिप आउट करते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, कैन यू ड्रॉप शिप ऑन अमेजोन लीगली, क्या ये इलीगल है या लीगल है? तो मैं आपको बता दूं, एक बात मेरी देख लो आप, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है नियत से, तो आपने 300 से ज्यादा प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट नहीं करने। ठीक है, इतने कम भी नहीं करने, इतने ज्यादा भी नहीं करने। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास ये भी आ जाए, हमारे पास ये भी आ जाए, हजारों की तादाद में प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे होते हैं, 2000-3000 की रेंज में, फिर वायलेशन भी आती है, बायर के मैसेजेस आते हैं, प्रोडक्ट डैमेज है, वापस ले लो, तो उसमें कोई आपको प्रॉफिट नहीं होता, इतना आप कमा रहे होते हो उससे डबल लॉस हो रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं, जितना मैंने काम किया है तकरीबन 1.5 साल हो गया है ड्रॉप शिपिंग करते हुए, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लिमिट होती है प्रोडक्ट रखने की अमेजोन के ऊपर लिस्ट करने की, 300-350 हो, ताकि आपको जो डैमेज है वो भी आप इजीली हैंडल कर सको, कस्टमर सपोर्ट जो है उसको भी। ठीक है, अब ये सारी वो चीजें जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये अमेजोन अलाउ देयर मर्चेंट्स टू ड्रॉप शिप ऑन देयर प्लेटफॉर्म एज दो एज प्ले बाय अ की फ्यू की रूल्स। ठीक है, यू मस्ट ऑलवेज बी द सेलर ऑन रिकॉर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, आइडेंटिटी योर सेल्फ एज द सेलर ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑन ऑल द पैकिंग स्लिप, जितनी भी पैकिंग स्लिप है, ये सारी वो बातें हैं जो कि आपको रीड करनी है, आप इनको गौर से पढ़ लो। ठीक है, स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसे रीड आउट कर लेना। अच्छा, उसके बाद जो है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ऑन अमेजोन, सबसे पहले तो आपके पास ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग रिक्वेस्ट एवरीवन टू साइन अप एज अ सेलर ऑन अमेजोन वेबसाइट, ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप अकाउंट क्रिएट करो, इंडिविजुअल प्लान कॉस्ट $0.99 पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, अगर आप अमेजोन के ऊपर कर रहे हो काम, FBA में कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो कॉस्ट पड़ती है ये वो बता रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल प्लान विल कॉस्ट यू, मतलब कि एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाया आपने, ठीक है, आपने अप्रूवल लिया हुआ किसी मतलब कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट सेल की हैं, मैंने अपना अकाउंट जो है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी के ऊपर अप्रूव करवाया, तो उसके ऊपर अमेजोन मंथली मुझे कितना चार्ज करता है, सिर्फ अमेजोन अकाउंट की क्रिएशन का $40 चार्ज करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अमेजोन ड्रॉप शिपिंग फीस वेरी बाय प्रोडक्ट,
ठीक है, ये प्रोडक्ट की फीस नहीं है। प्रोडक्ट की फीस क्या है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन 15% आपको चार्ज करता है, चाहे जितनी मर्जी उसकी प्राइस है। मतलब कि $118 एक प्रोडक्ट की प्राइस है, मल्टीप्लाई कर दो आप उसे 0.15 से, तो जो कॉस्ट होगी वो अमेजोन की कॉस्ट होगी, ठीक है, अमेजोन की रेफरल फी कहते हैं इसको हम। उसके बाद क्या है, इस अमेजोन ड्रॉप शिपिंग इज प्रॉफिटेबल, इट कैन बी, ठीक है, द एवरेज ड्रॉप शिपर सेल्स प्रोडक्ट एट अ 10 to 13% प्रॉफिट मार्जिन। 13% प्रॉफिट मार्जिन आपको तब होता है जब आपके पास बाय बॉक्स होता है, आपके पास हाईएस्ट रेटिंग होती है। आमतौर पर जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किए ना, उनको 2-3% या 10% प्रॉफिट मार्जिन होता है, इससे ज्यादा मुश्किल ही अगर हो तो, ठीक है। अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं उनपे 15% भी होता है, ठीक है, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है। इफ यू आर सेलिंग एट 30% ऑफ मार्जिन, योर नेट मार्जिन आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट ऑन एमेजोन विल बी 15%। 15% एमेजोन की फीस होगी। अगर आपका 30% मार्जिन है तो इसमें से 15% आप एमेजोन का काट लो, बाकी पीछे बचता है 15%, ये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है आपको, 4-5% प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। मतलब कि अगर एक $25 की प्रोडक्ट सेल की है मैंने, उसमें $1 to $2 मुझे बचेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपने प्रोडक्ट किसने लिस्ट कर रखे हैं, आपको ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। नॉट योर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग मार्जिन कैन बी हायर, ठीक है। इट इफ यू विन द अमेजोन बाय बॉक्स, बट इट्स हाईली कम्पिटिटिव एंड शुड नॉट बी समथिंग यू फोकस ऑन एट द स्टार्ट, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको स्टार्ट में क्या करना है बाय बॉक्स विन करने के लिए। मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया जिसका नाम वेजिटेबल चॉपर है, उसके साथ 10 सेलर और होंगे। वेजिटेबल चॉपर कितने का सेल होता है, $18 का भी होता है, 20 का भी होता है, 23 का भी होता है, डिपेंड करता है कितने प्लेट्स हैं उसमें, कितने उसमें पीसीज हैं जिनसे आप वेजिटेबल को चॉप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैं अपने साथ जो है डिफरेंट वो भी देखूंगा कि कितने सेलर्स और मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनको देखा, उनकी जो प्राइस है सबसे जो कम प्राइस है ना, उनको बीट करने के लिए मैं वो रखूंगा, ठीक है। अगर मैं लॉस में भी जा रहा हूँ ना, मैंने क्या करना है, बाय बॉक्स विन करना है। जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था बाय बॉक्स विन करने के बाद आप हाई अपनी सेल्स जो है इंक्रीज कर सकते हो, किस तरह से कि एक सेलर जो है सबसे कम जो प्राइस वाला सेल कर रहा है वेजिटेबल चॉपर, तकरीबन $16 उसकी प्राइस है तकरीबन, ठीक है। तो मैं सबसे कम प्राइस में सेल करूंगा, 16.99 कर दूंगा, 16.98 कर दूंगा बाय बॉक्स विन करने के लिए, ताकि मेरे पास ज्यादा ऑर्डर आए, मेरे पास बाय बॉक्स आए। अमेजोन सेल उसी को लेता है जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको कैसे पता चलेगा कि बाय बॉक्स किस बंदे के पास है। अब ये देखो वेजिटेबल चॉपर है, ठीक है, ये मैं अमेजोन पे आऊँ, यहाँ पे जिस बंदे का नाम आ रहा होगा, सोल्ड बाई, ये वेंट्रा LLC कोई नाम है, ठीक है, प्रोडक्ट का सेलर का, इस बंदे के पास बाय बॉक्स है। बाकी जितने भी लोग हैं, ये देखो अदर जितने भी सेलर हैं, 3 सेलर हो रहे हैं, ठीक है। एक 29.99 का सेल कर रहा है, एक 990 का और 97 का, ये बंदा कितने का सेल कर रहा है, 99 का सेल कर रहा है, ठीक है। मे बी इसके पास रेटिंग ज्यादा होगी इसलिए, ठीक है। अब इसके पास रेटिंग ज्यादा है तो ही इसकी प्राइस आ रही आगे, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं हम इसकी, 1 मिनट। अच्छा, पहले हम ये जो है लेक्चर ये कवर कर लें, फिर मैं आपको सारा इस तरफ लेके आता हूँ। अच्छा, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंजॉय बाय द अमेज़न ड्रॉप शिपर, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एक ड्रॉप शिपर जो है अच्छा बिजनेस कर सकता है। उसके पास कोई वेयर हाउस नहीं होती, कोई वेयर हाउस नहीं होता, वेयर हाउस की कॉस्ट भी नहीं पड़ती उसको, यहाँ से पैसे बच गए उसको। अमेज़न सप्लायर्स, ठीक है, मतलब कि किसी भी दूसरे लोग तो करते हैं ना अमेज़न टू अमेज़न करते हैं, ठीक है, तो वो अमेज़न के जो ड्रॉप शिप जो सप्लायर्स हैं उनको पकड़ते हैं। अमेज़न बाइज प्रोडक्ट्स इन बल्क फ्रॉम मैनी यूरोपियन सप्लायर्स, अमेज़न देन होल्ड्स दिस सप्लाई इन देयर वेयर हाउसेस, ठीक है, ये आप इसे रीड कर लेना। अच्छा, उसके बाद जो है लार्ज ऑडियंस टू सेल, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पे 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं जो सेल भी कर रहे हैं और इतनी ही तादाद में लोग बाय भी कर रहे हैं, ठीक है। अमेजोन एक बहुत बड़ा ओशन है जहाँ से आपको हर प्रोडक्ट मिलती है, हर कंट्री में जो है आप बाय कर सकते हो, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी में, ठीक है, यूएसए में, ये कुछ मार्केट्स हैं जिनमें आप बाय कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग यहीं से बाय करते हैं। अच्छा, ये आपको 3 तरह के बेनिफिट्स होते हैं एक ड्रॉप शिपर को। अच्छा, सूटेबल कैटेगरीज कौन से, सबसे अहम बात, सबसे अहम बात। अच्छा,
आपके पास जो है ये मैंने आपके सामने कैटेगरीज रखी हैं कि आप इनमें जाके कर सकते हो। एलिजिबल स्टोर्स जो हैं बेबी प्रोडक्ट्स हैं, बुक्स है, ठीक है, उसके बाद होम एंड किचन है, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग की हो गई, ठीक है। उसके बाद ये बेटर अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा, उसके उससे पहले आप ये समझ लो कि अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट एन अमेजोन अकाउंट। हाँ, काफी सारे लोगों को मैं बता दूं कि मेरा चैनल है यूट्यूब का इसी वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से, यूट्यूब के ऊपर इसी वर्चुअल असिस्टेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप वहां पे जाओ, आप वहां से वीडियो देख लो कि हाउ टू क्रिएट अ सेलर सेंट्रल। काफी सारे लोगों को अमेजोन वीए की जो ट्रेनिंग है, ठीक है, अगर यहाँ से करनी है वो लोग यहाँ से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये सारी जो है मैं आपको यहाँ से आप वीए की ट्रेनिंग जो है वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अमेजोन क्रिएशन अकाउंट किस तरह से किया जाता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है वीडियो। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं आप अप्रूव करवा सकते हो, गेट अप्रूव्ड इन योर प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। नहीं सॉरी, ये जो है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं आपको दूसरी स्लाइड की तरफ लेके जाता हूँ, इसको अभी फिलहाल आप छोड़ दो यहाँ पे। हाँ, अगर आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हो और आप अमेजोन पे भी काम करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको? आपने सिंपली शॉपिफाई पे जाना है, वहां पे जाके आपने बहुत सारे लोग, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना यूएसए के, वो सारे तकरीबन शॉपिफाई से कर रहे हैं, शॉपिफाई से लिंक होता है उनका अकाउंट, ईबे पे कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो हैं अमेजोन के ऊपर कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो सेल करना चाहते हैं, मेन जो वेबसाइट है शॉपिफाई है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। यहाँ से आप आओगे, ये इमेज आपको नजर आ रही होगी, आप सेल्स चैनल के ऊपर यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करो, अपना अमेजोन अकाउंट इसके साथ लिंक कर लो, और आपका जो अकाउंट है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए जो आपने अकाउंट बनाया होगा यूएसए में, उसमें आपका ये स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विन द बाय बॉक्स, कैसे आप बाय बॉक्स विन कर सकते हो? मोस्ट ऑफ सेलर्स कम फ्रॉम द बाय बॉक्स, ठीक है। अब टॉप पे जो सेलर आ रहा होता है वो उस बंदे के पास बाय बॉक्स होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, ये बेस्ट सेलर मूवर्स एंड शेकर, यहाँ से जो है मैं ग्रोसरी उठा लेता हूँ, ये सारा मैं अभी आपको तफसील में बताऊंगा सारा का सारा। यहाँ से हम कोई एक पकड़ लेते हैं, ये वाला, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, आपके पास ना लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे ना कोई अमेजोन नहीं आना चाहिए। अब ये देखो, शिप फ्रॉम डायरेक्ट सैम्स क्लब, सोल्ड बाय डायरेक्ट सैम्स क्लब, ये कोई एफपीएम सेलर है, उसका नाम आ रहा है। सैम्स क्लब एक वेबसाइट है जिससे आज हम हंटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम, ये जिस बंदे का नाम आ रहा होता है ना उसी के पास बाय बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे और सेलर्स भी होंगे, देखो 18 और सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? उनके पास बाय बॉक्स नहीं है, ठीक है। ये सबसे कम प्राइस में ये सेल कर रहे हैं, सारा मैं आपको तफसील से समझाता हूँ अभी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सेलर्स, मोस्ट ऑफ द अमेजोन सेल्स कम फ्रॉम द बाय बॉक्स, ठीक है। दिस मीन्स योर गोल एज अ ड्रॉप शिपर इज टू विन द बाय बॉक्स, सो यू कैन मैक्सिमाइज योर सेल लाइक द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो आपको सबसे पहले बाय बॉक्स विन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल आएंगे। अब कितने वहां पे सेलर्स बैठे हैं, सारे के सारे अपनी मर्जी प्राइस लगा के बैठे हैं, लेकिन सेल उसी को आ रही है जिसके पास बाय बॉक्स है। फर्स्ट यू विल नीड टू हैव अ हायर सेलिंग सेलर रेटिंग, रेटिंग की मैंने आपसे बात की। अब ये सेलर जो है इसके पास कितनी रेटिंग है ये भी हम देख लेते हैं। ये कोई नया सेलर है, इसके पास 19 की रेटिंग है। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 63 वाला भी है, 452 वाला भी है, लेकिन उसकी प्राइस डाउन है, ठीक है। अब डायरेक्ट जिसको ऑर्डर आएगा उसी के पास जो है जाएगा। ये 3.2 पे, ये देखो इसकी प्राइस कितनी, 3.2 सबसे कम प्राइस इसकी है, ठीक है। तो इसी के पास ऑब्वियसली सेल इसी के पास जाएगी। ये सारे के सारे ड्रॉप शिपर हैं, ठीक है, जितने भी एफपीएम होते हैं। यहाँ पे अमेजोन नहीं आना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, अगर अमेजोन आता है
तो वहां पे काफी सारे जो मेरे क्लाइंट्स वो अमेजोन वाले भी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट कर रहे थे। क्यों? एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, तब जब आपके पास 40 से 45 सेलर हों, 50 के करीब सेलर हों, तब आप अमेजोन वाले प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जो अमेजोन सेल कर रहा होता है उसके ऊपर बहुत सारे सप्लायर्स बैठे हों, बहुत सारे सेलर्स उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं। अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं यूएसए के, ठीक है, वो ज्यादातर अमेजोन वाले प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करते हैं ज्यादा सेल ग्रैब करने के लिए। अच्छा, सेकेंड, यू नीड टू शिप प्रोडक्ट्स क्विकली, आइडियली विद इन 14 डेज। ठीक है, जितना आपका हैंडलिंग टाइम होता है 10 दिन, 12 दिन, 7 दिन या 5 दिन, आपने उसी के अंडर अपना जो है ऑर्डर प्रोसेस करना होता है। थर्ड, योर कॉस्ट, शिपिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल शुड बी लोअर देन मोस्ट ऑफ द अदर्स ऑफर्स बीइंग प्रेजेंटेड। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया। हैविंग अ लोअर रिफंड रेट, फास्ट कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम एंड हाई फीडबैक स्कोर आल्सो हेल्प यू टू द बाय बॉक्स। अच्छा, ये तो था एक बेसिक लेक्चर जो मैंने आपको देना था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हंटिंग। हंटिंग कैसे की जाती है? काफी सारे जो लड़के हैं वो इसी वीडियोस को इसी वीडियो को फाइंड करते रहते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे।